जी एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। सो हाय एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल इन 2022। दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग इन 2022 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज मैंने कैमरा ऐसे पकड़ा है और मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसे पकड़ने में ऐसे बनाने में, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद मैं ये ऐसे शूट कर रहा हूँ। तो वो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि ना मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं वापस से अपने ब्लॉग चैनल पे वर्क करूँगा, है ना। तो अभी मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो यस एंड सेकंड थिंग कि अभी जस्ट मैं सो के उठा था और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, आज संडे है तो आज मैं लेट उठाऊँ, करीबन 12-12:30 बज रहे हैं। अभी नाश्ता वाश्ता करके अपना एकदम फुल बाथिंग एकदम हगिंग वगिंग सब करके अभी मैं फ्री हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं और अजय वन ऑफ माई मतलब एक तरीके से आप मेरे छोटा भाई मान सकते हो, ही इज माय क्रू मेंबर, बट मैं उसको एक छोटे भाई की तरह मानता हूँ अपने। तो वो और मैं अभी जा रहे हैं हम इंद्रापुरम हैबिटेट सेंटर, क्योंकि वहाँ से मैं मतलब सोच रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं कि मैं लेके आऊँगा क्योंकि आज संडे, वैसे मेरे को और मतलब वीक डेज पे मेरे को टाइम मिलता नहीं है। तो आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर कि कुछ घर के लिए, क्योंकि घर ना इस टाइम कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ एक मैट्रिक्स पड़े हुए ये है ना, और सब कुछ ऐसे बिल्कुल रॉ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो बिल्कुल रॉ पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है ना सोफे ना कुछ। इवन देखो मैं आपको, हमारे पास शीशा भी देखो, मैं इसमें देखता हूँ अपने आप को, यार क्या बात कर रहे हो, मैं इतना बड़ा शीशा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बड़े शीशे जो हैं मैं एक्चुअली या तो इस जगह सेट करने के लिए या फिर किसी अच्छे से कॉर्नर में वो मेरे को मिरर सेट करना है, बट मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन वो इतना महंगा है कि मेरे को शायद ये अपना फ्लैट ही पूरा सेल करना पड़ेगा तब जाके वो मिरर आ पाएगा। आई एम किडिंग, तो यस बट मैं अभी ऑफलाइन चेक करूँ, ऑफलाइन सही रेट में मिल जाते हैं चीज़ें अगर आप बार्गेन करते हो तो, और वरना वो बहुत दूर मिल रहा है बंजारा मार्केट गुड़गांव, वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को जिस टाइप का चाहिए वो, क्योंकि मेरे को अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ्लैट में सेट करनी है, बट मैं अभी सेट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा रुक के कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे आने का, उसके बाद फिर मतलब घर को ना एकदम बहुत खतरनाक बना दूंगा कसम से यार, ट्रस्ट मी बहुत खतरनाक है ना। वैसे इसमें एक चूंकि चानी कर रहा हूँ इस जगह में, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा हूँ है ना। तो अभी बस वही है, अभी हम वो देखने जा रहे हैं, अगर वहां पर कुछ अच्छा सामान मिलता है तो लेके आएंगे, अदरवाइज राम भरोसे है ना। तो यहाँ पे कहीं हमारी स्कूटी खड़ी थी लेकिन अजय सामने खड़ा हुआ है उधर, अब मैं जा रहा हूँ अजय के साथ। ओके चलो चल के बात करते, रेडी हो अजय, रेडी भविष्य दिखा लो अजय अपना, नहीं दिखवाना हमें पता हमारा भविष्य क्या है, उधर चलो वेस्ट साइड चले, हाँ भविष्य दिखवा लो अपना, हमें पता है हमारा भविष्य क्या है, हमें क्या है? है कितने बच्चे होने वाले तुम्हारे? चलो ठीक, आज ना मेरा दिल टूट गया यार, एक मिनट कैमरा साफ कर लूँ पहले, आज ना मेरा दिल टूट गया है क्योंकि वेस्ट साइड में मेरे को कुछ मिला नहीं है और हम लोग से वहाँ पर चप्पल ढूंढ रहे थे। यार वेस्ट साइड में जाके चप्पल कौन ढूंढता है, हम लोग ढूंढते हैं ना, क्या हो गया? तो अभी डीकैथलॉन चल रहे हैं, जिम का इक्विपमेंट देखने हैं ना। चलो आज मैं बहुत उदास हूँ कसम से यार, मेरा दिल टूट गया। मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे, शुगल मेले का शुगल मेला काम का काम हो गया, लगा ही रखो शुगल मेला। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा अच्छा यार, मतलब जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ उस तरीके से भी मिल नहीं रहा। अभी हम लोग होम डेकोर जा रहे हैं, वहाँ पे चेक करेंगे घर के लिए कुछ भी अपने लिए। कवि ने क्या खूब लिखा है, मेरे मुंह में कुछ हो रहा है, चाट खाए जमाना हो रहा है। चाट
चाट जमाना हो रहा है। ओके आज खाएंगे चाट। तो इट्स टाइम टू गो होम, मतलब होम नहीं, अभी उधर जाएंगे आदित्य मॉल साइड, वहाँ पे मिरर की शॉप है, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बस स्कूटी के दो टायर ले जाएंगे। चलो अभी वहाँ पे मिरर चेक करते फिर चलेंगे घर पे सीधा यार, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग था नहीं जो तुम्हें दिखा था, भीड़ बहुत थी। हम लोग सेफली गए, सेफली आए। ओके चलो, तो अभी हम लोग आ गए घर पे, है ना। आज कुछ लिया नहीं, और जो मिरर था मिरर मैंने देख लिया है, काफ़ी मतलब सही रेट में मुझको लगा कि हाँ मिल रहा है। तो अभी मैंने बोला है कि चाहिए ये, तो बोला था कि कम से कम भैया एक हफ्ता लग जाएगा आपके पास आने तक, क्योंकि मैं इसको रेडी करवाऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना अभी जो सामान उनका आता है, जो भी उनका जो सामान आता है बाहर से, वो अभी आ नहीं पा रहा है। तो इस वजह से बोला कम से कम एक हफ्ता आप मान के चलिए, तो इसलिए एक हफ्ता वेट करेंगे, तब तक शीशा आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे अजय पूरा चादर वादर सही कर रहा है, इधर मेरी रजाई पड़ी हुई है। है ना, ये हम हैं, ये हमारा गद्दा है, और यहाँ सफाई चल रही है। वैसे जो शायरी सुनाई थी ना, सही थी ना वो वाली, कौन सी थी वो, मुंह में क्या था अजीब सा कुछ, मुंह में क्या हो रहा है चाट का, पता नहीं कुछ तो अजीब सा था, मैं भूल गया, है ना। पर ठीक है, तुम लोग ये शायरी कभी भी सुना सकती हो किसी को भी, है ना। हमारा तू है सिख जहां से होना चाहिए, और ये हम बास्केटबॉल लेके आए थे मतलब अपने खेलने के लिए, इसको इसकी बेचारी कोई इज्जत ही नहीं है समाज में, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, इसको कोई नहीं पूछता यहाँ पर, हम लोग सिर्फ इसको साइड में डाल देते हैं बस, इधर उधर हाँ, अगर हमें साफ सफाई करनी हो बस, बिच गई फील्डिंग बिच गई भाई, फील्डिंग बिच गई। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है अंदर, अंदर क्या हो रहा है, अरे फोन लग गया आके फिर तू ना, ये क्या कर रहा, ये सबसे बहुत बड़ा टास्क होता है ये बिग बॉस का, ये अपनी रजाई को पैरों के अंदर करना, है ना। और ये तो वैसे ही थोड़ी छोटी रजाई है तो आ नहीं पाती पैरों में। सबसे बड़ा टास्क होता है ये रजाई को अपने अंदर, मतलब पैरों के अंदर करना। जिसने ये टास्क कंप्लीट कर लिया समझो उसने बिग बॉस 17 जीत लिया। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। देखो यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, उसको अभी हम लोग ने सेट नहीं कर रखा है, इसको सेट नहीं किया है इस रूम में, बस इस रूम को हम लोग सेट करने की सोच रहे हैं। पर मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ अपने घर में, 1% कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ एक मेहमान का, जब वो मेहमान घर पे आ जाएगा उसका। अजय जो हम लोग शीशा दिखा था डाइनिंग रूम वाला, इधर आओ एक सेकंड। आलस आ गया भाई बंदे को, आलस आ गया। देखो हमने ये जो शीशा दिखा था, मैं इस जगह सोच रहा हूँ डाइनिंग रूम वाला, इस जगह यहाँ पे आ जाएगा वो, आ जाएगा इधर, इस जगह खेल लो बेचारे। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो एक गेम दिखाऊंगा आपको, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए पकड़ना। देखो आपको बोलना है लागी तुमसे मन की लगन, ऐसे बोलना है, और इस बॉल को ऐसे ऐसे मारना है, और इसको बॉल के अंदर से ऐसे हाथ को घुमाना है, और ये मैं कर सकता हूँ सच में। देखो लागी भाई साहब क्या है ना, तो ट्राई करता हूँ, ये भगवान चल जा रहे हैं बिजती घनघोर बिजती सफेद बिजती, अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा यार, पर मैं दिखाऊंगा एक दिन तुम लोगों को, प्रैक्टिस कर लो, हाँ? प्रैक्टिस कर लो तब तक। हो गया, अब तेरे बिना यहाँ पे हीटर लग रहा है। देखो ये टास्क मैं बोल रहा था, इस लड़के ने पहली सेट
दिस इज टास्क। अबे मैं यहाँ पर मतलब ये जो है ना मैट्रेस इस जगह पे ना, ये जो रूम है ये रूम पूरा ही मैं खाली कर दूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा सोफे इस रूम में, है ना यार। घर को ना सच कह रहा हूँ मैं, विश्वास मानना, मैं जहर बना दूंगा, जहर। कोई खाए ना तो मर ही जाए सीधा। नहीं मरेगा तो नहीं, उसको बस ये लगेगा कि भाई यहाँ से निकलू ना। वो मुझसे बोलेगा कि भाई मुझे एज अ पेइंग गेस्ट मेरे को यहाँ पर रख लू, पर लेकिन मुझे निकालो मत। लेकिन क्या करें अब, चलो चलते का। ऑल राइट, तो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी मुझको खाना गर्म करना है, मैं जस्ट अभी बाहर से आया हूँ दूध लेके, क्योंकि रात में मैं चाय पी के सोता हूँ। ओके, तो अभी मैं दूध कह रहा हूँ मैं अभी खाना गर्म करूँगा, उसका फिर मैं खाऊंगा, देन उसके बाद फिर इसकी एडिटिंग करेंगे। क्या सारे गर्म कर रहे हो? तुम नहीं खाओगे? मैं थोड़े से खाऊंगा, मुझे ऐसे दे देते। मत खाना, फिर बाद में खा लेंगे, ठंडे हो जाए सुबह के टाइम। अबे इसको इसको प्लेट में भी लेना, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो अभी मेरे को लग रही है ठंड, मेरे को लग रही है सर्दी, है ना। और मैंने अपना काम दे दिया है अजय इन द हाउस, अजय को ऐसे भी मैं ही करता हूँ, आज मैंने किया है। हाँ। आज बने हैं एग राइस, है ना, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को एग वैसे खाने में अच्छे लगते हैं, जो अंडा करी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एग करी, ओके एग करी। एग करी मेरे को खाने में वैसे अच्छी नहीं लगती है, सच बताओ तो मेरे को वॉमिट जैसा हो जाता है। लेकिन मेरे को ऑमलेट वगैरह या बॉयल एग मेरे को अच्छे लगते हैं, पर एग करी इतनी खास नहीं लगती, खास नहीं मतलब अच्छी नहीं लगती। अभी ठीक है ना, है ना। तो अभी मैं पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी सी पता नहीं क्या करेंगे, जो भी करेंगे तो मैं दिख जाएगा। यार मेरे बालों की ना दशा बिगड़ गई है, और मैं इनको सेट करवाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर मैं पैसे डाल लूंगा तो थोड़े अच्छे से करने के लिए डालूँ, है ना, ऐसे थोड़ी अपने कैसे भी करवा लूँ। कोई नहीं, मैं सेट करवाऊंगा, बट कुछ टाइम और, थोड़ी सी और बड़े हो जाए उसके बाद। इनको बहुत एकदम बहुत प्यारा लग सोचा है मैंने, बहुत ही प्यारा वो करवाना है। ओके, तभी पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर एडिटिंग करूंगा, उसके बाद फिर सो जाऊंगा, फिर मिलेंगे हम लोग कल दूसरे वाले ब्लॉग में। ओके, फिर पहले खाना खा लेता हूँ, ठीक है फिर। और तो यस, खाना मैंने खा लिया है, और अभी अजय बाबू यहाँ पे बना रहे हैं चाय। ये बना रहे हैं अजय बाबू इधर चाय, इधर तुम खा भी दो साथ में, इधर अजय बाबू बना रहे हैं चाय, और अभी मैं चाय पी के फिर सोऊंगा। ये अभी तुमने क्या डाला इसमें? नमक। ये अजय ने नमक डाला है, इसके बाद की पत्ती और क्या डालोगे? उसके बाद क्या डालोगे? अदरक वदरक सब पड़ गया है, तो कुछ नहीं डालना, पकनी है बस। पकनी है चाय, पकाओ से बात करो भाई। हाँ बढ़िया, पक अभी पक जा, पिटाई करो उसको, पकाओ आज इसको, पकाओ बात कर करके, पकाओ इसको, पकाओ, बोलो तभी तभी बात करेगी, बोलो उसको। ये ऐसे पकेगी, नीचे पकाने वाला है ना, इसे पका रहे हैं। तुम इतना कर रहे क्यों रहे? शू शू गजक सब खत्म है अभी, मेरे लिए होगी थोड़ी सी, नहीं तुम्हारे लिए नहीं, मना कर रही हूँ, मैं खा सकता हूँ यार, रखी हुई है। ये मम्मी ने लड्डू बनाए थे, एक एक कभी कभी खा लेते हैं, ये गजक रखी हुई, ये मेरी फेवरेट गजक है, ये मेरी फेवरेट गजक है। अब गजक खाऊंगा बाद में, पहले पीऊंगा चाय उसके बाद। ओके, सो यस एवरीवन, तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग, अगर आपको इस व्लॉग में एक पार्ट भी अच्छा लगा तो यू कैन गिव योर थम्स अप, अगर ये व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो यू कैन गिव योर डिसलाइक। एंड सेकेंड थिंग,
क्या? हाँ मेरे को आप कमेंट्स में बताना कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा, जिससे कि मैं आगे इम्प्रूव करूँ, क्योंकि ये अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में सीखना चाहिए इंसान को, है ना। लर्निंग लाइफ छोटी पड़ जाती है लेकिन सीखना कम नहीं होता जिंदगी। आगे वीडियो देखना और प्लीज गिव मी अ लाइक एंड नहीं पसंद तो डिसलाइक। ओके सो यस एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग। मेरे को क्लास की याद आ गई यार। ओके सो यस एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑफ योरसेल्फ हैव अ गुड डे, पीस आउट। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।